क्या आपका? हाफिज नौशाद अली। आज आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, क्या कारण रहा है? कारण ये रहा कि मैं एक सोशल वर्क इंसान हूँ और सभी लोग सोशल वर्क को फ़ोन करते हैं अपने अपने सिस्टम से अपनी परेशानी को लेकर के। मैं 2003 से सोशल वर्क कर रहा हूँ और इलाके में तकरीबन लोग जानते हैं मुझे। मैं अपने तो जब यकीन होता है आदमी को तो यकीन के बल पे उसको फ़ोन करता है कि हमारा ये काम करा देगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी कह करके मुकड़ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल हैं और मुस्लिम इलाके हैं वहाँ उर्दू टीचर दिया जाएगा। उर्दू टीचर नहीं दिया जाएगा। मैं बीएड कर रखा हूँ उर्दू से, जामिया अलीगढ़ से। उर्दू टीचर नहीं दिया जा रहा। हमारे किराड़ी के अंदर वहाँ निठारी गांव में और मुबारकपुर गांव में 70% मुस्लिम आबादी है, बच्चे पढ़ते हैं जो मुस्लिम हैं, और उनको उर्दू टीचर के लिए मैं कोशिश करता रहा लेकिन उर्दू टीचर नहीं दिया उन्होंने। दूसरी बात, आप आगे बढ़िए, ये पेंशन, बुड्ढों की पेंशन कहते हैं 2500 कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है किया आपने, उसका लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन 2.5-3 साल से आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे, किसी की जो है पेंशन नहीं बन पा रही है। राशन कार्ड आपने बंद करवा दिया, जो राशन कार्ड सिर्फ राशन के लिए नहीं होता, राशन कार्ड OBC में EWS के अंदर वो काम आता है, बच्चों का एडमिशन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भाषण तो है लेकिन राशन नहीं है, काम सही से नहीं हो पा रहा है और लोग परेशान हैं, उनके लोकल नेता भी काम नहीं कर रहे हैं। फोन तो उठा लेते हैं, बात सुन लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं। आम आदमी पार्टी में आप लंबे वक्त से थे और आज आपने भाजपा का दामन थामा, तो क्या पार्टी के अंदर आप ये पार्टी को आला कमान जो हैं उन तक ये सारी बातें पहुंचाने का काम किया? बातें कही लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ वन मैन आर्मी है, वन मैन आर्मी, एक आदमी फैसला करता है, उनके यहाँ संगठन नहीं है। संगठन नहीं है कि संगठन कानून, संगठन BJP कांग्रेस के अंदर संगठन है, इनके अंदर संगठन नहीं है। इनके अंदर विधायक जो है संगठन चलाता है और ख़ास तौर से इनके इम्प्लाई जो होते हैं वो संगठन के संगठन मंत्री और कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। ऐसी पार्टी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, वो बुलबुला होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक।